गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था फॉरेन की के बारे में स्टूडेंट, और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया था आपको कि जब हमको आरडीबी में यूज करना हो रिलेशनल डेटाबेस, तब हम फॉरेन की का यूज करते हैं। दो टेबल के बीच में जब रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है, उस समय हमें फॉरेन की की आवश्यकता होती है, और फॉरेन की के माध्यम से हम जो हमारी रेफरेंसिंग टेबल होती है वो उसके अकॉर्डिंग दूसरे टेबल में रिकॉर्ड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो कल हमने उसके डेफिनेशन प्लस सिंटैक्स देखा हुआ था, आज हम उसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं स्टूडेंट, और समझते हैं कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं ओरेकल 11g पर। ओके, तो कल हमने ये पढ़ा हुआ था स्टूडेंट फॉरेन की, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया हुआ था, साथ में सिंटैक्स भी बताया था आपको, कॉलम लेवल भी और टेबल लेवल भी। आज हमको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल क्रिएट करना है, और फॉरेन की को कैसे क्रिएट किया जाता है उस एग्जांपल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिसके लिए ओरेकल हम ओपन कर लेते हैं। देखिए फॉरेन की को यूज करने के लिए हमें तो दो टेबल की पहले तो आवश्यकता होगी, दो टेबल हमको क्रिएट करना होगा। वो देखिए कौन सी टेबल है, वो हम ले लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल पहले आपको बनाकर समझाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं एक टेबल ले रहा हूँ स्टूडेंट, डॉक्टर। एक हम टेबल ले रहे हैं डॉक्टर, जिसके अंदर डॉक्टर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। जैसे डॉक्टर आईडी, डॉक्टर आईडी को देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है स्टूडेंट, प्राइमरी की, और डी नेम डॉक्टर का नाम, डॉक्टर नेम, डी नेम और उसकी एज, और जो भी उसके आप फील्ड देना चाहते हैं वो और भी फील्ड इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और एज और उसके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं डॉक्टर से रिलेटेड। जैसे एक फील्ड मैंने बना दिया मोबाइल, इसको मैंने अवॉइड कर रखा है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, और जब हमको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको हम क्या रख सकते हैं, वायर कैर। तो एक नॉर्मली इस टेबल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट, टेबल क्रिएटेड, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ पे सिर्फ हमने डी आई डी जो है डॉक्टर आई डी, उसको हमने क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। अब दूसरी टेबल भी मुझको क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट फॉरेन की को बनाने के लिए। दूसरी टेबल में क्रिएट कर रहा हूं पेशेंट टेबल, क्रिएट टेबल पेशेंट। यहां पे मैंने सीरियल नंबर लिए स्टूडेंट और डीआईडी। मैंने बताया था जब भी हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, रिलेशनल डेटाबेस, तो एक फील्ड आपकी कॉमन होगी, डीआईडी डॉक्टर फील्ड में भी थी, डॉक्टर टेबल में भी, और डीआईडी हमारी पेशेंट टेबल में भी है। ये फील्ड हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई। फिर देखिए इसको मुझे फॉरेन की बनाना है, तो मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था स्टूडेंट कि फॉरेन की को बनाने के लिए कॉलम लेवल पे आपको क्या लिखना है, ये तो आपका ऑप्शनल है, कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट नेम, आप सीधा लिखेंगे रेफरेंस और जो भी रेफरेंस टेबल और उस कॉलम, उसका नाम उस कॉलम का जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाना चाहते हैं फॉरेन की। तो यहाँ देखिए डीआईडी नंबर हमने लिया और रेफरेंस
डॉक्टर टेबल, किस टेबल से? डॉक्टर टेबल से। और डॉक्टर टेबल के किस कॉलम को हमने यहाँ पे रेफरेंस में लिया है? डीआईडी को। तो यहाँ पे जो ये पेशेंट पे डीआईडी बनेगी स्टूडेंट, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? डॉक्टर टेबल के डीआईडी के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट में डीआईडी बना, ये आपकी फॉरेन की कहलाएगी, और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी किसके अकॉर्डिंग स्टोर होगी? डॉक्टर टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, बाकी फील्ड ऑफ सेम है, जैसे देना चाहें जितनी फील्ड ऑफ सकता हो उतनी दे सकते हैं, जैसे पी नेम, पेशेंट का नाम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी आप देना चाहें। इस टेबल को भी मैंने क्रिएट किया, ये टेबल भी हमारी क्रिएट हो गई। अब सबसे पहले हमको डॉक्टर टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होगा। डीआईडी देना होगा और इसके बाद डॉक्टर का नेम देना होगा, मान लीजिए डॉक्टर शिवम, और इसके बाद हमको क्या देना है स्टूडेंट? एज उसकी 30 और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। ये हम किसमें स्टूडेंट स्टोर करा रहे हैं? डॉक्टर टेबल पे। एक रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो गया, डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है, आप ट्राई करना हो ट्राई कर लें, क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है। ये देखिए हमको डीआईडी चेंज करना होगा, दूसरा डॉक्टर मान लीजिए मैंने डॉक्टर विजय, तीन डॉक्टर मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। डॉक्टर विवेक, और ये मैंने वैल्यू को यहाँ पे दिया। ओके, ये भी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। इस प्रकार से हमने जो डॉक्टर इंसर्ट कराए, तीन डॉक्टर इंसर्ट कराए, आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस टेबल को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर। ये देखिए तीन डॉक्टर यहाँ स्टोर हो गए आपके, जिनकी डीआईडी है 1, डीआईडी 1 यानी कि डॉक्टर 1 जो है हमारा यूएम है, डॉक्टर 2 है विजय और डॉक्टर 3 है विवेक। ओके, ये तीनों के मैंने क्या स्टोर किया है? उनकी एज और उनका मोबाइल। अब देखिए जब पेशेंट आएगा, मान लीजिए दिखाने आया पेशेंट आपके हॉस्पिटल पे, आपको डेटाबेस मेंटेन किया है, आपने प्राइमरी की क्रिएट करके रखा है, साथ में फॉरेन की क्रिएट करके रखा है, तो देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम पेशेंट बैलूच, पेशेंट में सबसे पहला पेशेंट मुझे सीरियल नंबर देना है, फिर डीआईडी, वो पेशेंट किस डॉक्टर को दिखा रहा है उसका आईडी नंबर हमको देना है, मान लीजिए वो 1 नंबर डॉक्टर को दिखा रहा है। इसके बाद पेशेंट का नाम राम, फिर इसके बाद उसकी एज और उसका एड्रेस, ये हमने स्टोर किया। वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। और अब मान लीजिए दूसरे नंबर का पेशेंट आया, यहां वो दूसरे डॉक्टर को भी दिखा सकता है और इस डॉक्टर को भी दिखा सकता है, मान लीजिए उसने 2 नंबर डॉक्टर को दिखाया। अब तीसरा कोई पेशेंट आया, वो फिर से 1 नंबर या 2 नंबर को भी दिखा सकता है, ऐसा तो जरूरी है नहीं कि एक डॉक्टर को एक ही पेशेंट दिखाएगा, कई पेशेंट दिखा सकते हैं।
ये देखिए, अब मैं पेशेंट टेबल डिस्प्ले कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये पेशेंट हुए, ओके। अब आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो राम पेशेंट था वन नंबर, इसने किस डॉक्टर को दिखाया है, वन नंबर, और वन नंबर में हमारा जो डॉक्टर होगा वो है, ओके। रमेश किस डॉक्टर को दिखाया है, टू को। फिर अरुण ने किस डॉक्टर को दिखाया है, वन नंबर को। हम दोनों टेबल के बीच में फंक्शनली डिपेंडेंसी है, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप है। अब हमको ये देखना है कि वन नंबर का डॉक्टर कौन है, तो हमको डॉक्टर टेबल में देखना होगा, यानी कि राम को सिंह हमने देखा है और विजय ने देखा है दूसरे नंबर वाले को। इस तरीके से दोनों टेबल में डिपेंडेंसी है। लेकिन अब मान के चलिए यहाँ पे डॉक्टर तीन है, लेकिन कोई वैल्यू मैं यहाँ पे फोर नंबर इंसर्ट करूं, तब क्या होगा। डॉक्टर हमारे पास थ्री ही है, लेकिन मैंने यहाँ देखिए चेंज किया, फोर नंबर का पेशेंट आया और गलती से मान लीजिए मुझे फोर नंबर के डॉक्टर अलॉट हो गया राकेश, और सेम है मान लीजिए। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूं, तब देखिएगा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। देखिए यहाँ पे आपको जो मैसेज मिलेगा, पेरेंट की नॉट फाउंड, यानी कि पेरेंट की हमारी कौन सी स्टूडेंट, डॉक्टर आईडी उसमें फाउंड नहीं है, फोर नंबर का कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए फोर नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है और फोर नंबर के रिकॉर्ड को कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि फोर नंबर का डॉक्टर ही नहीं है, तो फोर नंबर आप इंसर्ट भी नहीं कर सकते। ये पहला रूल समझ में आया स्टूडेंट, इतना समझ में आया। एनी स्टूडेंट? यस सर। ओके ओके, तो जब तक हम डॉक्टर उस नाम का इंसर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो रिकॉर्ड पेशेंट पे इंसर्ट नहीं हो सकता है, जब हम रिलेशनशिप को क्रिएट कर लें। मान लीजिए मैं यहाँ डॉक्टर इंसर्ट कर देता हूँ फोर नंबर, ओके, डॉक्टर राजेश, फोर नंबर डॉक्टर मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं चार नंबर का डॉक्टर हमारे पास आ चुका है, यदि चार नंबर का डॉक्टर है तो पेशेंट भी चार नंबर का स्टोर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड। पहली विशेषता आपको समझ में आ जानी चाहिए, फॉरेन की में या जो सेकेंडरी टेबल होगी जिसमें फॉरेन की क्रिएट किया गया होगा, उसमें वही रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं जो प्राइमरी टेबल के पेरेंट की में अवेलेबल होंगे। हमारी यहाँ पहली टेबल डॉक्टर थी, उसकी पेरेंट की थी डॉक्टर आईडी में जो डॉक्टर आईडी अवेलेबल है, वही डॉक्टर आईडी आपकी सेकेंडरी टेबल पेशेंट में इंसर्ट होगी, उसके अलावा कोई दूसरी आईडी इंसर्ट नहीं हो सकती है। सबसे पहला रूल होता है, ये कहलाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। फॉरेन की का पहला रूल है कि जो पेरेंट टेबल में की अवेलेबल होगी, वही आपकी सेकेंडरी टेबल में क्या होगी, इंसर्ट। नेक्स्ट, दूसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। मान लीजिए अब मैं यहां से डॉक्टर को डिलीट करना चाहता हूं, देखिए डॉक्टर सिंहम को मुझे डिलीट करना है, ओके, तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डॉक्टर और वेयर, और आईडी से उसके डिलीट कर देते हैं, डी आई डी इक्वल वन। क्या डॉक्टर सीएम डिलीट हो जाएगा? एनी स्टूडेंट जवाब दें। क्या डॉक्टर सीएम को मैं डिलीट कर रहा हूं, डॉक्टर सीएम डिलीट हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। आदित्य? शायद नहीं सर। क्यों?
अरे इसके पहले भी तो पढ़ के आए हो तुम, इसके पहले फॉरेन की यूज किया है कभी कि नहीं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल पढ़े हैं? नहीं पढ़ा? नो सर, याद नहीं नो? है। हाँ, एक्सेस पढ़ के आए हैं आप, उसमें सारे रूल होते हैं, फॉरेन की क्रिएट की जाती है, प्राइमरी की क्रिएट की जाती है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ क्या होगा। मैंने कमांड चलाया, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, आप समझिए, चाइल्ड रिकॉर्ड फॉर्म, यानी कि रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ है। बता सकता है कोई क्यों नहीं डिलीट हुआ है? सर क्योंकि चाइल्ड में उसका एक रिकॉर्ड है, और अगर जो वाला डिलीट हो जाएगा तो फिर वहां पर दिक्कत होगी दूसरे वाले को। हाँ, क्योंकि डॉक्टर सीएम ने पेशेंट को देखा हुआ है, और पेशेंट को देखा हुआ तो कैसे डिलीट हो सकता है? फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल का क्या मतलब है? फॉरेन की क्रिएट करने का हमारा क्या मतलब निकलेगा रिलेशन का? वो रिकॉर्ड तब तक डिलीट नहीं हो सकता है जब तक उसका चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा। पहले हमको चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, या चाइल्ड रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना होगा, या किसी दूसरे डॉक्टर को रिफर करना होगा। मान लीजिए डॉक्टर सीएम हमारे यहाँ से जा रहा है, तो हमको उसके पेशेंट को किसी दूसरे डॉक्टर पे रिफर करना होगा, तो उसकी आईडी चेंज करनी होगी, या तो हम उसके पेशेंट की आईडी चेंज करें तब डॉक्टर सीएम को डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसके चाइल्ड रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दें तब वो फील्ड डिलीट हो सकती है। जब तक पेरेंट टेबल में जो भी रिकॉर्ड हैं उनके यदि चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है, यानी कि सेकेंडरी टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल है, तब तक हम पेरेंट टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते हैं। पहला रूल मैंने बताया, यदि पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है। दूसरा रूल मैंने बताया, यदि पेरेंट टेबल के से रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है सेकेंडरी टेबल में, तो वो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया जा सकता है। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? यस सर, हाँ, इनमें से बताओ किस डॉक्टर को हम डिलीट कर सकते हैं? तीन नंबर 3 नंबर? क्यों? डॉक्टर बोले हाँ क्यों? सर, क्योंकि चाइल्ड क्लास में इसका इसने किसी पेशेंट को नहीं देखा सर। हाँ बिल्कुल राइट आंसर, 3 नंबर डॉक्टर, डॉक्टर विवेक को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर विवेक ने भी कोई पेशेंट नहीं देखा हुआ है माया। अब बाकी डॉक्टरों ने सभी ने पेशेंट देखे हुए हैं, डॉक्टर 1 भी देखा है, डॉक्टर 2 भी देखा है, डॉक्टर 4 भी देखा है। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए, 1 ने 2 पेशेंट देखे हैं, 4 नंबर ने 1 पेशेंट देखा है, 2 ने 1 पेशेंट देखा, लेकिन 3 ने कोई भी पेशेंट नहीं देखा है, इसलिए अभी 3 नंबर के रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं, बाकी हम 1, 4 और 2 को डिलीट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको जैसे 1 की जगह 2 भी करके दिखाता हूं, ये रिकॉर्ड भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसने पेशेंट को देखा हुआ है, 3 ने नहीं देखा है। जैसे ही मैं यहां 3 लिखूंगा और इस कमांड को रन करूंगा, 3 नंबर का डॉक्टर क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 ने नहीं देखा है। ये देखिए 3 नंबर रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब आप डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर टेबल। अब हमारे पास जो डॉक्टर है 1, 2 और 4 बच्चे 3 नंबर के डॉक्टर को, यदि हमको किसी को डिलीट करना है तो या तो हम उसके पहले चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट करें, यानी कि मैं पहले पेशेंट को डिलीट करूं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा भी आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए मुझे 2 नंबर डॉक्टर को डिलीट करना है, तो पहले मैं डिलीट फ्रॉम पेशेंट,
वेयर डी आई डी या सीरियल नंबर नेम किसी से भी हम कर सकते हैं, डी आई डी ही कर दिया मैंने टू, ओके टू नंबर का जो पेशेंट है वो डिलीट हो गया। अब आप यहां देखेंगे टू नंबर का पेशेंट डिलीट हो गया, अब इसने किसी को नहीं देखा है। अब यदि मैं चाहूं तो अब मैं डिलीट कर सकता हूं डॉक्टर टू को, अब मेरा डॉक्टर टू भी डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डॉक्टर टू भी डिलीट हो गया। तो यानी कि फॉरेन की क्रिएट करने के बाद यदि हमको पैरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उससे रिलेटेड उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल से भी हमको डिलीट करना पड़ेगा, तभी हम पैरेंट टेबल से रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज तब तक वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे जब तक उसके चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल हो। ये भी समझ में आ गया स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो देखिए ये मैंने रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड रूल के साथ आपको फॉरेन की बताया, और प्रैक्टिकली जो रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड रूल्स होते हैं उनको मैंने समझाया, और दोनों तरीके से बताया कि जब तक आपके पैरेंट टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तब तक आप चाइल्ड में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, और यदि यहां तक कि आप अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। अभी तो मैंने डिलीट का दिखाया, आप इसको अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कि इसकी आईडी चेंज कर दें, डॉक्टर सीएम की आईडी टू कर दें, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी आईडी ऑलरेडी अलॉट है ना, तो इसकी आईडी को चेंज भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अपडेट कमांड भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, और जैसा कि मैंने डिलीट का बताया कि तब तक हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, और यदि हमको डिलीट करना है या अपडेट करना है तो ओरिकल हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके लिए हम एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जब हम रिलेशनशिप या फॉरेन की को क्रिएट करते हैं उस समय एक ऑप्शन होता है कैस्केड डिलीट या कैस्केड अपडेट, इस ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं, और इसके बाद हम उसको आसानी के साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस भी हम पढ़ेंगे कल। आज आप इतनी प्रैक्टिस करिएगा, इसको चला के समझिएगा, दोनों टेबल बनाइएगा, दोनों टेबल में जिस प्रकार से मैंने बताया उस तरीके से इंप्लीमेंट करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद कल इसी के आगे फिर हम फॉरेन की में कैस्केड डिलीट और कैस्केड अपडेट के साथ सीखेंगे, लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं। ओके, तो आज की क्लास यही क्लोज कर रहे हैं।